Hello, friends. My name is Ankur and welcome back to my channel. Friends, today we are going to start our English speaking part 78 and we are going to continue the same topic that is, we were discussing about meals related sentences. So, today also we are going to continue about meals related sentences only. So, friends, let's start our English speaking part 78. English speaking part 78 Ahar in English means meals basically means meals means that what the food we eat normally the food which is being served by our mother at our home or what kind of dishes do we like and what kind of pickles food or anything items related to food which is of our choice so it is known as meals meals means the food which we eat or which we try to eat anywhere so friends एज यूजल आई विल रीड द सेंटेंस इज इन हिंदी एंड साइड बाई साइड आई विस्लेट यू इन इंग्लिश सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें सो इन इंग्लिश इट मीन्स लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर सो फ्रेंड्स बेसिकलीस मीन्स द पर्सन इज बेसिकली इन्वाइटिंग अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ हैव डिनर टुगेदर मीन्स आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें सो इन इंग्लिश इट मीन्स लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर सो ब्रेकफास्ट इज यूजली टेकन इन द मॉर्निंग सो द प पर्सन इज माइटिंग ग्रुप ऑफ पर्सन टू हैव ब्रेकफास्ट विगेदर सो इट्स ए मील टाइप सेंटेंस नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है सो इन इंग्लिश इट मीन्स नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट अ पर्सन बेसिकली रिजेक्टिंग टू गो टू स्टे समेयर बट बेसिकली ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ए पार्टी सो ही इज सेंग नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी सो बेसिकली देंटेंस मीन्स नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है सो शी इज और एनी पर्सन ही इज रिजेक्टिंग कंटिन्यूअसली बट ही वॉन्ट्स टू गो टू द अटेंड द पार्टी सो इन इंग्लिश इट मीन्स नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी क्या लता ने खाना खा लिया है सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैज लता फिनिश्ड हर मील्स द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट फ्रेंड्स बेसिकली इट इज एन इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज बेसिकली आस्किंग अबाउट अनदर पर्सन ही इज वेरी मच क्यूरियस अबाउट अनादर पर्सन वैदर शी हैजेक अवर फूड और नॉट सो क्या लता ने खाना खा लिया है सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैज़ लता फिनिश्ड अर मील्स सो द पर्सन इज बेसिकली क्यूरियस अबाउट अनादर पर्सन वेदर शी हैजेक अवर मील्स ऑन टाइम और नॉट सो इट इज अ मील टाइप सेंटेंस एंड इट इज एन इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस जल्दी आओ खाना परोस दिया गया है सो इन इंग्लिश इट मीन्स हरी अपूड हैज बीन सर्व्ड द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज बेसिकली इन्वाइटिंग

The sentence basically means that the person has not eaten anything, means he is not hungry either. That's why he has not eaten anything or he doesn't want to eat. So we normally see in our at at, at our home friends, whenever uh, we are eating food and we don't want to eat more, or we are not in a mood of eating food. So people normally sitting besides us, they normally say you have you ate very little, you ate nothing. So तुमने तो कुछ खाया ही नहीं सो इन इंग्लिश इट मीन्स यू हार्डली एट हैड एनी थिंग यू एट वेरी लिटिल सो फ्रेंड्स इट इज बेसिकली अ पास्ट टेंस एंड इट इज अबाउट सेंटेंस रिलेटेड टू फूड थोड़ा और लीजिए सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैव अ लिटिल मोर प्लीज हैव सम मोर द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज बेसिकली आस्किंग टू अनदर पर्सन और ही इज वेरी मच ऑफरिंग हिम दैट थोड़ा और लीजिए सो इन इंग्लिश इट मीन्स Have a little more. Please have some more. We can see in our daily life friends. When someone comes to our home. And he wants to eat food. Or he is eating food with us. We normally say. Thoda or We offer them more food. Thoda or So in English it means. Have a little more. Please have some more. So it is also a meal type sentence. Aap chai coffee. So in English it means. Would you have tea or coffee. The sentence basically an interrogative type sentence friends. Because the person is basically asking about. Uh, food to another person he is offering them uh, whether you want to take coffee or tea so in english it means Aap chai lingya coffee so in english it means would you have tea or coffee so it is an interrogative type sentence because friends the person is basically asking in an offering way because he is also offering tea or coffee and it is directly indirectly asking also to another person whether he wants to take tea or coffee so ap chai india coffee so in english it means would you have tea or coffee so it is an ऑफरिंग टाइप सेंटेंस एंड इट इज एन इंटेरोगेटिव टाइप मील टाइप सेंटेंस मुझे एक प्याला कॉफी ला दो सो इन इंग्लिश इट मीन्स ब्रिंग गैट मी अ कप ऑफ कॉफी द सेंटेस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज बेसिकली ऑर्डरिंग अनदर पर्सन दैट मुझे एक प्याला कॉफी का ला दो सो इन इंग्लिश इट मीन्स ब्रिंग गैट मी अ कप ऑफ कॉफी द सेंटेस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज वेरी मच ही वॉन्ट्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी कॉफी इमीडिएटली और ही इज इन अड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी और स्पिंग कॉफी

कॉफी डालिए इन इंग्लिश इट मीन्स पोर द कॉफी सो द पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कॉफी इन इज कप सो इट इज ऑल्सो ए मील टाइप सेंटेंस एंड इट इज ही इज ऑर्डरिंग अनदर पर्सन टू पोर द कॉफी इन इज कप चम्मच साफ नहीं है बैरा सो इन इंग्लिश इट मीन्स वेटर द स्पून इज डर्टी नॉट क्लीन द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट चम्मच साफ नहीं है बैरा यू कैन सी फ्रेंड्स वेन वेन एवर वी गो टू होटल और रेस्टोरेंट एंड वेन वी ईट फूड

ordering the waiter to clean the spoon so it is also a friend's meal type sentence and this kind of sentence normally this kind of incident normally happens in hotels or restaurants saaf nahi hai so in English it means waiter the spoon is dirty not clean so it is a meal type sentence zara namak in English it means pass me the salt please the sentence basically means that the person is eating his food and he want a pinch of salt in his food so he is basically और रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन प्लीज जरा नमक पकड़ाइए मीन्स पास नी द सॉल्ट प्लीज एज इट यूजअली हैपन्स एट आवर ओन फ्रेंड्स वैन वी ईट फूड एंड वी फाइंड दैट सॉल्ट इज़ लिटिल बिट लेस और समथिंग सो वी नॉर्मली रिक्वेस्ट आवर मदर और हुर सिटिंग डिसाइड अस वी नॉर्मली से प्लीज पास द सॉल्ट बाउल सो वी नॉर्मली टेक सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वी पोटेड इन टू आवर फूड सो जरा नमक पकड़ाइए इन इंग्लिश पास मी द सॉल्ट प्लीज तो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज अल टाइप सेंटेंस एंड बट बेसिकली इट इज अ रिक्वेस्ट टाइप सेंटेस बिकॉज द पर्सन इज रिक्वेस्टिंग अर पर्सन टू पास पिंच ऑफ सॉल्ट टू हिम मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए सो इन इंग्लिश इट मीन्स गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज द सेंटेंस बेसिकली मींस दैट द पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ फ्रेश बटर इन इज फूड सो बेसिकली इज सेंग मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए सो इन इंग्लिश इट मीन्स गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज सो बेसिकली इज रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन टू गिव हिम सम फ्रेश बटर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हैव फ्रेश बटर इन इज ब्रेकफास्ट और फूड और लंच एक्सेट्रा सो मुझे थोड़ा सा ताजा मक्खन दीजिए सो इन इंग्लिश इट मीन्स गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज सो इज इट इज बेसिकली अ रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस एंड इट इज अ मिल टाइप सेंटेंस थोड़ा और लाइए सो इन इंग्लिश इट मीन्स गेट ब्रिंग सम मोर प्लीज द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन टू गेट हिम और ब्रिंग हिम सम मोर प्लीज सो बेसिकली इज सेंग थोड़ा और लाइए मीन्स ही इज ईटिंग फूड एंड ही वांट्स मोर एंड मोर सो ही इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन थोड़ा और लाइए मीन्स गेट ब्रिंग मी सम मोर प्लीज सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट आई एंड इट इज ए मील टाइप सेंटेंस बिकॉज ही वांट्स टू अ मोर फूड अपने आप खाइए सो इन इंग्लिश इट मीन्स हेल्प योर सेल्फ प्लीज द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज बेसिकली ऑर्डरिंग अनादर पर्सन और रिक्वेस्टिंग अनदर पर्सन प्लीज अपने आप खाइए नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू यू हैव टू ईट योर सेल्फ सो इन इंग्लिश इट मीन्स हेल्प योर सेल्फ प्लीज सो द पर्सन इज सेंग अपने आप खाइए वी कॉन्ट हेल्प यू यू हैव टू ईट बायर सेल्फ सो अपने आप खाइए इन इंग्लिश हेल्प योर सेल्फ प्लीज सो फ्रेंड्स बेसिकली इट इज ए ऑर्डर इन कमांड टाइप सेंटेंस एंड इट इज ऑल्सो ए मील टाइप सेंटेंस बिकॉज द अनदर पर्सन इज सेंग हिम डायरेक्टली प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ यू शुड ईट योर सेल्फ नो वन नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू प्लेटें बदलिए So, in English, it means change the plates, please. The sentence basically means that the person is commanding and ordering another person to change the plates. So, means he is unhappy with the plates that the plates are either not clean or dirty or they are of irregular size or they are small or big something. So, he is requesting or ordering another person to change the plates. So, in English, it means change the plates, please. So, he is requesting another person to change the plates. सो फ्रेंड्स इट इज़ ऑल्सो ए रिक्वेस्टिंग टाइप एंड मील टाइप सेंटेंस क्या आप वेजीटेरियन शाकाहारी हैं सो इन इंग्लिश इट मीन्स आर यू ए वेजीटेरियन द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द इट इज़ एन इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस एंड द अनदर पर्सन इज आस्किंग टू द पर्सन दैट क्या आप वेजिटेरियन है मीन्स आप शाकाहारी हैं सो इन इंग्लिश इट मीन्स आर यू ए वेजीटेरियन सो इट इज़ ए प्रेजेंट टाइप सेंटेंस फ्रेंड्स एंड इट इज एन इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस ऑल्सो बिकॉज द पर्सन इज आस्किंग क्या आप वेजीटेरियन या शाकाहारी हैं So in English it means are you a vegetarian? So it is a present interrogative type sentence and it is a meal type sentence. Nahim a non-vegetarian yani masahari hu. So in English it means no, I am a non-vegetarian. The sentence basically means that the person is describing about himself. He is saying that Nahim a non-vegetarian masaari Means he doesn't eat veg, he eats only non-veg. So in English it means no, I am a non-vegetarian so he is basically describing about himself and it is a present type sentence and friends it is a meal type sentence because he is saying nahi and non-vegetarian hu. so in english it means no i am a non-vegetarian so friends this was the english speaking part 78 in which i tried to discuss you about how to use ahar means meals type sentences in our english language when we do conversation in front of in our daily life in front of another person so meals Basically, is friends the food which we eat, the food which we want to eat, which we like to eat, or which are cooked at our home, and which we try to eat with group of friends, with our family members, etc. So I wrote down the sentences in Hindi and side by side I translated you, you in English so that it becomes easier for you to understand about these sentences with examples. So, friends, I hope you would have find it easier to understand about Ahar and Ahar means meals-related sentences in our English language that how do we use them in our daily life when we do conversation while sitting at dining table etc so friends kindly practice these sentences in your spare time either try to talk in front of mirror, mirror or try to talk with your parents relative friends or neighbors etc and ultimately at some point of time you will realize that your english language has become fluent your confidence will boost up your personality will groom and ultimately your hesitation will blow down and after passage of time you will find that your english language is quite simple easy to learn read write and speak so friends kindly like share subscribe my channel please do press the bell icon in the subscription box and i will also share my instagram and facebook link in the description box below so friends meals related sentences play a very important role in our daily life because these kind of sentences we normally use in our daily life when we eat food either at sitting at dining table either sitting at the table anywhere when at the restaurant hotel whenever where we go and we eat food with our family we normally use these kind of sentences normally so friends please keep supporting me so that i may bring you more interesting english speaking topics which could prove to be an asset for you and which could help you in brushing up your fluent english communication in front of another person so friends keep practicing day by day and ultimately you will become a fluent english speaker so friends, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.